स्टूडेंट्स, टूडेज टॉपिक इज मार्कोनिकोफ रूल. मार्कोनिकोफ रूल इज अप्लाइड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड एडिशन ऑफ एच एक्स एच सी एल एच बी आर एच आई टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन. तो आज हम लोग पहले से स्टार्ट करेंगे. जो पहले टॉपिक है हम लोगों का एल्कीन, एक हम लोग लेंगे एल्कीन. एल्कीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन विथ टू हाइड्रोजन. एल्कीन एक ले लेंगे हम, एल्कीन एक ले लेंगे. एल्कीन में ए जो बॉन्ड है ए सिग्मा एंड ए जो बॉन्ड है ए पाई. सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पाई बॉन्ड इज वीक. तो दोनों तरफ, इधर में दो हाइड्रोजन, इधर में दो हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल. दाहिने तरफ कार्बन में जो लगा हुआ है बाएं तरफ भी वही है. इसका नाम क्या है? दो कार्बन में डबल बॉन्ड मींस इसका नाम है इथीन. इथीन इसका साथ में हम लोग एडिशन करेंगे एच एक्स. एक्स हैलोजन एंड एच हाइड्रोजन. एच प्लस एंड एक्स माइनस होगा. एच सी एल भी हो सकता है, एच बी आर भी हो सकता है और एच आई भी हो सकता है. सबसे बड़ा साइज आयोडीन का होने से एच आई का डिसोसिएशन मींस टूटना बहुत जल्दी होता है और इसका रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है. तो एच आई सबसे पहले जाएगा, उसका बाद में एच बी आर एंड लास्ट में जाएगा एच सी एल. एच एफ हम लोग कंसीडर किए ही नहीं क्योंकि फ्लोरीन का तो बहुत साइज छोटा है. तो ये हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर. रिएक्टिविटी मींस कौन जल्दी करेगा और कौन देर में करेगा. रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. अभी हम लोग को देखना है, हम लोग करेंगे एचबीआर का एडिशन ऑलवेज क्योंकि यही वाला बार बार पूछा जाता है. तो पहले ये जो पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है, ये एच प्लस जो है और एक्स माइनस, तो प्लस में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल. तो उसको पहले वो यहां पर पाई बॉन्ड का तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा. तो पाई बॉन्ड का तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पाई बॉन्ड का तरफ अट्रैक्ट करने से ये जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है ये रह जाएगा सिग्मा एज इट इज. और एक ब्रिज का तरफ बनेगा पाई बॉन्ड का, जिसका ऊपर ये हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एक साइक्लिक टाइप का. अभी ब्रोमीन जो है और नहीं तो एक्स माइनस जो भी है, तो एक्स माइनस हम लोग एक तरफ ऐड कर देंगे कार्बन में और ऊपर में जो पाई का एक क्लाउड का तरह ब्रिज का तरह जो बना हुआ है वो टूट जाए. टूटने का टाइम में देखो ये एक्स जो आ रहा है ये बिलो द प्लेन नीचे से आ रहा है क्योंकि ऊपर में ब्रिज किया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो वो इलेक्ट्रॉन का ब्रिज टूटेगा नहीं. जब नीचे से आएगा तब टूट जाएगा. तो ये ऊपर में एक ठो एच लगा दो, एच दो ठो पहले से ही था, और इधर में एक ठो हैलोजन लगाओ एक्स और इधर में दो ठो हाइड्रोजन था. तो हम लोग जो दिखाए इसमें जे पहले इलेक्ट्रोफाइल होके आया और फिर एक्स माइनस जो नीचे से आया, तो बिलो द प्लेन एक्स माइनस अटैक और ऊपर से हाइड्रोजन खोल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी एडिशन. एंटी एडिशन, एंटी एडिशन बोलते हैं इसको. लेकिन पहले जो है ये जो एच प्लस जा रहा है एज इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन.
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एंटी हो गया जो एल्किन में HCl, HBr और HI का अटैक हुआ। लेकिन मार्कोनिकोव रूल किस में अप्लाई होगा? मार्कोनिकोव रूल ऐसा सिमेट्रिकल एल्किन में अप्लाई नहीं होता है। मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा एक अनसिमेट्रिकल एल्किन में। ये अनसिमेट्रिकल एल्किन हम लोग एक तो लिए हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपीन। अभी इसमें हम लोग HBr का एडिशन करेंगे तो मार्कोनिकोव इसको हम लोग बोलेंगे मार्कोनिकोव, ठीक है। तो ए वाला था पहले जो कैसे अटैक हो रहा है उसको हम लोग डिस्कस किए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अभी हम लोग जा रहे हैं टू डिस्कस द मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल स्टार्टिंग विथ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसको लिखना है हम लोगों को, और दाहिने तरफ कार्बन में दो हाइड्रोजन और बाएं तरफ में वन CH3 एंड अनदर हाइड्रोजन। दिस आर डिफरेंट मींस अनसिमेट्रिकल। नाउ H+ एंड Br-। तो मार्कोनिकोव रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट मींस Br- एड्स टू द कार्बन विथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ब्रोमीन ए कार्बन में आएगा और हाइड्रोजन ए कार्बन में आएगा। अभी कैसे आएगा वही वाला हम लोगों को देखना है। तो पहले जैसे कर रहे थे हम लोग, ए तो पाई और ए तो सिग्मा, तो हाइड्रोजन को पाई तरफ खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? क्योंकि H का इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और पाई तो लूजली बाउंड है, दैट सप्लाई सम इलेक्ट्रॉन। तो देन इट फॉर्म्स ए अगेन ब्रिज टाइप एक कैटायन बन गया, ब्रिज बन गया। तो इसमें दो हाइड्रोजन देखो, ठीक है ना, और इसमें एक CH3 और एक हाइड्रोजन। तो पॉजिटिव जो चार्ज है इसका माथा का ऊपर में भी तुम लोग दे सकते हो और इसका अंदर में भी दे सकते हो। अभी इसमें देखो दो पॉइंट है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। इसमें दो हाइड्रोजन और इसमें एक CH3 एक हाइड्रोजन। अभी हम लोग इससे दो कैटायन बनाएंगे, दो कैटायन, एक इधर में कैटायन जब इधर में खोलेगा और एक इधर में कैटायन जब इधर में खोलेगा। CH3 CH+ CH3 जो इधर में खुलेगा। तो पहले हम लोग इधर में कर रहे हैं एक नंबर में, तो ए हो गया एक नंबर। फिर हम लोग इधर में खोलेंगे दो नंबर दे दो, तो ए दो नंबर। इधर में खुलेंगे तो यहां पर प्लस और यहां पर हाइड्रोजन लगेगा CH3। एक एच था और एक आ रहा है CH2 और एक CH2+। देन इट इज नोन एज सेकेंडरी और टू डिग्री कार्बोकैटायन, और ए हो गया प्राइमरी और वन डिग्री कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कार्बन में कैटायन मींस कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। एक कार्बोकैटायन तो तुम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग दिए हैं, वो तो देखे ही होंगे। जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इधर से दो मिथाइल जो ग्रुप है, ये दो मिथाइल ग्रुप पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इधर से भी पुश कर रहा है और इधर से भी पुश कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में तो जैसे ही पुश करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। तो इधर में तो एक ही साइड से पुश हो रहा है, कम स्टेबल होगा। तो जो बढ़िया स्टेबल है उसमें एक बार ब्रोमीन ऐड करना है हम लोगों को, Br-, उसमें ब्रोमीन ऐड करना है। तो उसमें ब्रोमीन ऐड करना है तो यहां पर ब्रोमीन ऐड कर, और जो लेस स्टेबल है उसमें एक ब्रोमीन ऐड करना है तो इसमें भी ब्रोमीन ऐड कर। तो जो मोर स्टेबल है
ए वाला कार्बोकैटायन है मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। तो CH3, ब्रोमीन एंड CH3, ए हो गया 2 में ब्रोमो और 3 कार्बन का एल्केन, मींस ए हो गया प्रोपेन। तो ए बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज हायर, देन इट इज नोन एज मेजर प्रोडक्ट। जो स्टेबल है उससे मेजर बन गया। अब ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है तो उसमें क्या बनेगा, इसमें बन गया CH3, CH2, CH2, Br। ए कौन सा प्रोडक्ट है, ए है 1 ब्रोमो प्रोपेन, ए हो गया माइनर, ए हो गया मेजर जो था एक तो, और ए हो गया माइनर। तो हम लोग मार्कोनी ग्रुप में क्या सीखे हैं बच्चों, जो Br माइनस जो है और H प्लस जो है उसका ट्रिक्स क्या है, तब ट्रिक्स जो है जो नेगेटिव पार्ट है जो Br माइनस, इसको हम लोग पूरा स्टडी करके मेकानिज्म को अभी हम लोग देखे हैं। Br माइनस जो है वो जा रहा है कार्बन विथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कहां पर जा रहा है जो मैक्सिमम है। तो ट्रिक्स है X माइनस जो रहेगा एड्स टू कार्बन अटैच्ड विथ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का साथ में अटैच्ड है, मींस डबल बॉन्ड का तरह, एंड हैविंग सबसे कम हाइड्रोजन, लीस्ट हाइड्रोजन एटॉम, मींस पाई बॉन्ड का तरह अटैच्ड होगा और लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो हम लोग का था मार्कोनिकोफ रूल का। तो मार्कोनिकोफ रूल तो पूरा हम लोग का हो गया, जो HBr एडिशन और HX एडिशन टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो मतलब बढ़िया से प्रैक्टिस करना और पूरा वीडियो को बार बार स्टडी करेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बार बार प्रैक्टिस करते रहो, लाइक करो। तो बढ़िया से प्रैक्टिस हम लोगों को करना है, ऑर्गेनिक का मेकानिज्म बहुत ही ये सब इंपॉर्टेंट है, और बार बार देखना है और प्रैक्टिस जारी रखना है। थैंक यू।